हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि आप थंबनेल तो देख चुके ही हैं, हम बात कर रहे हैं जो रीड प्रीवियस पेपर है। ये कब हुआ? ये आपका 2018 फरवरी माह में हुआ, ठीक है। ये लेवल फर्स्ट का पेपर है, ठीक है। लेवल फर्स्ट यानी 1 से 5, या इसे कहते हैं DLED प्लस PSTC, ठीक है। तो हम जो सोल्व कर रहे हैं, इसे पहले भी मैंने सोल्व करवाया हुआ यही पेपर सेम, ठीक है। लेकिन उसमें मैंने इंग्लिश प्लस EBS के दो क्वेश्चन डाउट हैं वो सोल्व करवा रहा हूँ साथ में इसके, ठीक है। इसे देखना चाहो तो इसे देख सकते हो, उसको तो देखना ही, क्योंकि उस पर भी व्यूअर बहुत ज़्यादा हैं, आप देख सकते हो उसे। आपको मैं एक जानकारी देना चाह रहा हूँ, अगर आप जो भी रीड लेवल फर्स्ट हैं तो उसके सभी पेपर यानी जो अब तक हुए हैं ना, जितने भी आपके, वैसे हुए तो ज़्यादा नहीं है, जैसे 2018 में एक तो हुआ था, फिर उसके बाद 2016 में 15-16 बोलते हैं उसे, यानी 15 की परीक्षा 16 में हुई थी, फिर उसके बाद आपकी 2012 में हुई थी और एक 2011 में, ये सभी पेपर मैंने सोल्व करवाए लेवल फर्स्ट के, तो चाहो तो आप देख सकते हो, ठीक है। चलो हम यहाँ साइको से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो ये पेपर मैं कैसे सोल्व करवा रहा हूँ, एक बार जानकारी ले लें। ये जैसे मैं पहले करा रहा हूँ CDP, यानी इसे साइकोलॉजी कह सकते हो, ठीक है। दूसरे नंबर पर मैं कराऊंगा ऑप्शनल लैंग्वेज, जिन्होंने हिंदी भर रखी है ना फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक है। सेकंड लैंग्वेज जिन्होंने संस्कृत भर रखी है, फिर उसके बाद आ जाता है 4 नंबर EBS प्लस आपका लास्ट नंबर बचता है मैथ का। लेकिन यहाँ पर जो मैंने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी बताई ना, हिंदी, तो इसके बाद मैं तुरंत इंग्लिश स्टार्ट करूँगा, यानी जिन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश भर रखी थी, यानी हिंदी तो कराऊँगा उसके बाद आपकी इंग्लिश भी कराऊँगा, क्योंकि ये इसी की वजह से मैंने वीडियो बनाया था, तो ये भी देख लेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों से। पहला क्वेश्चन था, एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है तो कहलाता है। देखो आप बखूबी जानते हो, जो लिखावट से संबंध है, जो भी कठिनाई या डिसेबिलिटी पाई जाती है, तो हम उसे बोलते हैं डिसग्राफिया। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर बात करें डिसलेक्सिया, तो ये आपके रीडिंग यानी पढ़ने से संबंधित डिसेबिलिटी होती है। अगर डिसकैलकुलिया जो मैथ से संबंधित होती है, जो गणनाएं करते हैं ना उसमें डिसेबिलिटी पाई जाती है, तो उनसे संबंधित होती है। 4 नंबर ऑप्शन को ध्यान से देखो, ध्यान अभाव अति शीघ्रता विकार, ये मंदबुद्धि वालक शारीरिक रूप से कमज़ोर हुए ना, और जो मानसिक रूप से कमज़ोर हुए हैं, तो उनके लिए ये शब्द यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका तो राइट आंसर पहले का हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका 2 नंबर क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा एक युगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है, तो आपको बताना फॉर्मेटिव, सॉरी फॉर्मेटिव तो रचनात्मक हो जाएगा, ये होता है सुमेलेटिव, इसे बोल लेते हैं युगात्मक, ठीक है। तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा 4 नंबर ऑप्शन। ध्यान से देखो, सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन करना, यही होगा राइट आंसर है इसका। इसका क्वेश्चन नंबर इसका एक युगात्मक मूल्यांकन संबंधित है, तो इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डन का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी में कौन सी है। यानी हार्वर्ड गार्डन ने, आपको मालूम होगा उन्होंने जो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है, तो उनके अकॉर्डिंग आपको बताना है जो प्रकार दिए थे बुद्धि या आयाम, तो उनमें इनमें से कौन सा है, ये आपको चूज करना है इसमें से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा नेचुरल, इसे बोलते हैं नेचुरलाइज्ड स्किल, यानी प्रकृतिवादी कौशल होता है, जो आपके वनस्पति वैज्ञानिक हुए और आपके जो किसान लोग हुए, इनमें ये चीज़ें पाई जाती हैं, क्योंकि प्रकृति के बारे में बहुत ज़्यादा यही चीज़ जानते, मतलब नॉलेज रखते हैं या जानते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा इसका C नंबर ऑप्शन। बाकी सभी हैं ये बुद्धि से संबंधित हैं, तो ये हार्वर्ड गार्डन से संबंधित नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन बना था, हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं, निम्न में से पता लगाएं दो भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ क्या है। अगर दो भाषा बोलता है बच्चा, तो उसकी क्षमता के लिए सही लाभ क्या है, ये बताना है। तो पहला ऑप्शन था अवधान गठन में सुविधा, बिल्कुल सही है। विश्लेषणात्मक तर्क करने में सुविधा होगी, तो ये भी सही है। संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा, ये भी सही है। तो यानी ये राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते। आपका अगला क्वेश्चन है कि एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधि कर रहा है, ठीक है, जैसे दे रखा है न केवल यह पूछकर किया हुआ, बल्कि यह भी पूछा कि कैसे और क्यों, ठीक है। ब नंबर ऑप्शन दे रखा है, यानी ऑप्शन या दूसरा कथन कह सकते हैं कि उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा परख की तुलना करने में मदद करने, जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है, इन गतिविधियों से वह बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। तो ये 4 ऑप्शन दिए थे, तो इनमें से बताना है कि वो मतलब ऐसा क्या करवा रहा है, यानी पहले कथन में कह रहा है कैसे और क्यों, दूसरे में
उनके उत्तरों की या तुलना करके ये पूछ रहा है कि वास्तव में जो जवाब जानना चाह रहा है, तो इन गतिविधि करवाई है ना, तो ये किसको बढ़ावा दे रही है ये बताना है। तो ये आपको आलोचनात्मक सोच को दे रही है, यानी क्रिटिकल थिंकिंग होगा इसका राइट आंसर, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएँ या घटनाएँ छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं, तो कौन सा मनोवैज्ञानिक परिपेक्ष इस तरह की प्रेरणा की व्याख्या करते हैं। तो ये आपके व्यवहार से संबंधित हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारवादी। ठीक है, और बाकी अब इनमें ऑप्शन है, जैसे मानवतावादी होता तो जैसे आपका अपना मैसलो हुआ, कॉल रॉजर्स हुआ, तो उनसे संबंधित हो जाएगा। ठीक है, संज्ञानात्मक आप जानते हो, जेन और ब्रूनर हुआ, वाइगोस्की हुआ, और उसके अलावा आपका जीन पैज। ठीक है, तो ये चीज़ें नॉर्मल है। चलो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था, समावेश शब्द का मतलब है कि विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चे को फिल इन द ब्लैंक्स नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करना चाहिए। तो ऑप्शन देखते हो तो इसका राइट आंसर निकलेगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, पूरा समय। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका क्या रहा था, ये कह रहा है एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का वितरण समझा कर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है, ठीक है, और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है, तो ये उदाहरण किसका है। देखो, पहली बात तो ये बातों ये समझने की कोशिश करना, छात्रों को स्पष्टीकरण के लिए निष्कर्ष निकालने के और व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है, तो ये किससे संबंधित हो गया, ये हो गया आपका जिसे बोलते हैं आगमनात्मक तर्क, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पहला नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। देखो, ये क्वेश्चन अच्छा था कि मनोविश्लेषण का मानना है कि प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो इड पर आच्छादन रखता है, यह कहलाता है प्लेजर प्रिंसिपल, जिसे बोलते हैं हम नहीं प्लेजर नहीं होगा आमोद एक सेकंड आमोद तो नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा दबाव। ठीक है, क्या रिप्रेशन। ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है ईगो है ना वो इड पर आच्छादन रखता है, यानी इड पे है कंट्रोल लगता है ईगो, तो ये क्या ईगो के लिए क्या होगा, ये क्या होगा रिप्रेशन का मतलब होता है दबाव, यानी ये दबाव दबाव में रहता है किसकी वजह से, इड की वजह से। ठीक है, तो इसी वजह से हो सकता है इसका राइट आंसर चार नंबर ऑप्शन, लेकिन एक्यूरेट राइट आंसर यही रहेगा। ठीक है, और देख लेते हैं कि अंतर्मुखता और बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित किया गया, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है इसका, हेंस आइसेंक होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बना था आपका कि कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है प्रेरणा के लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं मोटिवेशन का क्या रहेगा इसमें। बी नंबर ऑप्शन को देखो, जब छात्र बस सक्रिय है अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है और काफ़ी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। ठीक है, उच्चतम अंक प्राप्त करता है। वैसे भी आप देखोगे ये सीटेट के जैसे टाइप का क्वेश्चन है, तो इसे तो आप लैंग्वेज इसे पढ़ के भी कर सकते थे। ठीक है, और चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका राइट आंसर तो बी ऑप्शन ही होगा। अगला क्वेश्चन था कि एक बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति होती है। ठीक है, ये कह रहा है एक बाह्य प्रेरणा है एक अंत की युक्ति होती है, तो फिर आंतरिक प्रेरणा क्या होगी। तो इसका जो राइट आंसर निकल के आता है वो होता है अपने आप में एक अंत होगी। ठीक है, तो ये अच्छा ही क्वेश्चन था। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन था, एक व्यक्ति विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन करने को प्राप्त के लिए नियम और कानून और सिद्धांत प्रदान करता है, तो ये कहलाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन वो कहलाता है मेंटल हाइजीन, यानी दिमागी आरोग्यता कहलाती है। अगर आप और अभिप्रेरणा की बात हो नहीं रही है, ठीक है, द्वंद्व की बात हो नहीं रही है, अधिगम की बात हो भी रही है, लेकिन उससे अच्छा ऑप्शन है ये दिमागी आरोग्यता, क्योंकि वो व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं तथा वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम कानून और सिद्धांत प्रदान करता है, तो दिमागी आरोग्यता। ठीक है, तो वो अधिगम नहीं होगी, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला देख लेते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा था कि समायोजन तंत्र में अतीत वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सूचना शामिल कहलाता है, तो ये कहलाता है। देखो, तार्किक सामाजिक रूप में सूचना ये कहलाता है कहीं ना कहीं रैशनलाइजेशन
परमीकरण, ठीक है। तो इसे देखना, ये डिफेंस उसमें आता है, डिफेंस मैकेनिज्म यानी जो रच्चा युक्तियाँ हैं ना उनमें आता है ये, ठीक है। ये उनसे ही संबंधित है परमीकरण, ठीक है, जिसमें तर्क देता है यानी किसी का बहाना बनाएगा तो वो उसके लिए तर्क अच्छा देता है, तो उससे संबंधित है। अगला है कि स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है, किस श्रेणी से? स्कूल की संगठनात्मक छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है, तो ये आपका हो जाएगा सामाजिक कारक, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन था कि निम्न स्थितियों में से कौन सा समायोजन को बढ़ावा देती है, आपको बताना है समायोजन को बढ़ावा देती है। तो तीव्र उत्सुकता तो देगी नहीं, अपराध जुनून विचार ये भी नहीं देगा, बीमारी का डर ये भी नहीं देगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक के रूप में आप अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा, इस कार्यभार से ब्लूम के वर्गीकरण के कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका संप्रयोग, सही है। एक स्थान से मतलब किसी नॉलेज को दूसरी जगह अप्लाई करना, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पे बताऊँ, ब्लूम की टैक्सोनॉमी अगर आपने पढ़ रखी है तो अच्छी बात है। ब्लूम टैक्सोनॉमी इन्होंने गोल्स यानी जो उद्देश्य थे उनको तीन भागों में बांटा था। तीन भाग कौन से थे? एक तो ज्ञानात्मकता जिसे कॉग्निटिव बोलते थे, दूसरा था आपका भावात्मक जिसे अफेक्टिव बोलते थे, तीसरा था क्रियात्मक जिसे साइकोमोटर भी कहते थे, ठीक है। तो जो आपका ज्ञानात्मक था ना, इसमें से जो पहला था ज्ञान, दूसरा था अवबोध, देखो इसे बोलते हैं नॉलेज, अवबोध को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, तीन नंबर पर आएगा आपका एप्लीकेशन यानी इसे ही बोलते हैं अनुप्रयोग, यही पूछा था तीसरे नंबर का, ये मतलब तीसरे नंबर का जो पॉइंट था एप्लीकेशन वही था ये राइट आंसर, ठीक है। देखो यहाँ पे भी इंग्लिश दे रखा है, लेकिन ये इसकी जो आपको परिभाषा प्लस ये पता होना चाहिए अनुप्रयोग होता क्या है, ठीक है। तो यही पूछा है इस क्वेश्चन में देखा जाए तो। आपका अगला क्वेश्चन था, शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि और व्यक्तित्व तथा कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्रित की, यह प्रक्रिया कहलाती है। इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा आकलन, ठीक है। ठीक है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, इसका राइट आंसर होगा पहला ही। अगला था, कौन सा प्रक्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण को नामित नहीं करता है, इसमें से उल्टा ही पूछ लिया कि नामित नहीं करता है। देखो संज्ञानात्मक करता है, अभी मैंने बताया था, क्रियात्मक करता है, भावात्मक करता है। ध्यान देना, ये मनोप्रेरणा है ना जिसे साइकोमोटर कह रहे हैं, ये क्रियात्मक को ही कहते हैं, तो ये इसलिए ये क्वेश्चन किया गया था डिलीट, यानी जो क्वेश्चन डिलीट होगा तो उस पर सभी को मिलेगा बोनस, ठीक है, इसमें बोनस मिला था सभी को। अगला है क्वेश्चन, इसकी इंग्लिश भी देख लो, 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है, ये बड़ा क्वेश्चन है, जो नहीं है ये पूछा है। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन पर जाओ, अधिगम को रटना विधि को सुविधाजनक बनाना चाहिए, तो ये आप बखूबी जानते हो, एनसीईआरटी 2005 से इसकी तो अवहेलना करता है, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं कि शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है, धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठे के रूप में वस्तु को उठाने के लिए करता है, इस प्रकार की प्रगति क्या कहलाएगी। देखो इसका राइट आंसर होगा प्रॉक्सिमोडिस्टल, सी नंबर भी होगा व्यापक से विशिष्ट कार्य में, आप बखूबी जानते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल, इसका विकास होता है केंद्र से सिरों की ओर, और शब्द दूसरे को देखो, व्यापक से विशिष्ट कार्रवाई की प्रगति, इसका भी मतलब केंद्र से सिरों की ओर होता है, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन भी होगा सी होगा। एक होता है सेपेलोकोडल, वो ऊपर होता है यानी सॉरी ऊपर से मतलब हेड टू टेल होता है, ऊपर से नीचे की ओर, तो ये उससे संबंधित है नहीं, क्योंकि आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो ये कह रहा है कि एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है, धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में उंगलियों का अंगूठा का उपयोग करता है, यानी पहले उसके हाथ का विकास हो रहा है, यानी हथेली का मतलब पूरे हाथ से संबंधित है, फिर उसकी उंगलियों से है, फिर इस प्रकार कह सकते हैं केंद्र से सिरों की ओर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी भी होगा सी भी होगा। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन था कि बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक और संज्ञानात्मक भावात्मक और सामाजिक जैसे तीन व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, तो विकास प्रक्रिया के इन क्षेत्रों को खास संबंधित किया जा सकता है, तो वो एकीकृत और समग्र प्रकार की विकसित कह सकते हैं इसे, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, ठीक है।
चलो अगला देख लेते हैं। एक बच्चा जो कि एक विशेषता यानी जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है, बाद की उम्र में भी रहेगी, यह बयान महत्व जोर देता है। तो ये इसे देता है 23। राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, यानी आनुवंशिकता जेनेटिक्स। अगर देखा जाए तो अब इस क्वेश्चन को खुद की अंडरस्टैंड से समझना, यानी आनुवंशिकता ही इसका राइट आंसर तो होगा। ये कह रहा है मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है तो बाद की उम्र में भी रहेगी, यह बयान कि महत्व जोर देता है, ये राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन क्या आता था कि हदगम में उपयोग अनुपयोग के नियम को भी कहा जाता है, तो उपयोग और अनुपयोग के नियम को भी कहा जाता है। तो देखो ये भी क्वेश्चन डिलीट किया गया था, आप देखो इसमें समानता है कुछ ऑप्शनों में। ठीक है, तो कह सकते हैं ये डिलीट हुआ था, इसमें बोनस मिला था, आप ध्यान से देखो। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको भी ठीक है। क्वेश्चन अगला ये पावलर से संबंधित आया है कि पावलर के प्रयोगों में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकता था, किंतु इससे पहले भी अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवृत्ति या सॉरी आवाज सुनता, और इस संवृत्ति को क्या कहा गया है। देखो इसे क्या कहा गया है, तो इसे कहा गया है आपकी अनुकूलित उत्तेजना, यानी इसे कह सकते हैं कंडीशनल रिफ्लैक्स। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर की अनुभूति। बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है, यह सिद्धांत प्रतिबिंबित करता है। अंतःक्रिया और निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से क्या होती है, विकसित होती है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा प्याजे के संज्ञानात्मक विकास से। ये कह रहा अनुभूति बच्चे वातावरण के अंदर, सही बात है, बच्चा वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके खुद ज्ञान का निर्माण करता है, ये फॉलो संज्ञानात्मक कह सकते हैं, और ये जीन प्याजे संबंधित है, और नहीं तो फिर इसके बाद आपके निर्मितवाद से संबंधित हो जाता है जनरल ब्रूनर। ठीक है, तो इसका तो राइट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन। चलो अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था प्याजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नई धारणा और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया कहलाती है, तो उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ये सी नंबर है, तो इसमें हो जाएगा संतुलन। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 128 था कि निम्न में से कौन सा बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली सावधानी नहीं है, तो आपको सावधानी नहीं है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक संरचित बातचीत होती है। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था एरिक्सन के अनुसार बच्चों का सामाजिक विकास 8 चरणों में होता है, कक्षा 3 का छात्र यानी कह सकते हैं 9 साल के आसपास होगा, विकास के चरण की किस मिल खाता है। तो 9 साल का होगा तो 7 से 9, तो ये हो जाए परिश्रम बनाम हीनता, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसे बोलते हैं इंटरेस्ट वेरियस इनफेरिटी। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है, तो ये हो जाएगा लास्ट नंबर ऑप्शन, छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मापदंडों में तुलना की जाती है, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो आप साइकोलॉजी तो हो गई कंप्लीट, ठीक है, यानी जो 30 क्वेश्चन थे आपके CDP, यानी इसे कह सकते हो CDP कह लो या साइकोलॉजी। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं ना ये हिंदी के हैं। ठीक है, तो ये एक कह सकते हैं PDF मुझसे कट हो गई, ठीक है, तो वो जुगाड़ नहीं हो पाई है, तो जहाँ से क्वेश्चन है मैं वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे 39 नंबर क्वेश्चन है कि लिखना सिखाने के पूर्व बालक को चित्रकला सिखाना चाहिए क्योंकि अक्षर भी चित्र हैं, यह मत समर्थन कौन करते हैं, तो ये आपके महात्मा गांधी जी करते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अरे यार ये क्या हो रहा है, चलो अगला है क्यों, चलो यार चलो हाँ अब देखते हैं कि हर्बर्ट उपागम के पद कितने हैं, तो आपके 5 पद हैं, इसे ट्रिक से याद कर लो PPCGA। ठीक है, तो ये ऐसे हैं, पी से बनेगा आपका प्रस्तुतिकरण, ठीक है, पी से इससे बनेगा प्रस्तावना, सी से मतलब होता है कंपेरिजन। ठीक है, ये याद करने का तरीका है, नहीं तो आज पैसे भी कर सकते हो हिंदी के अकॉर्डिंग। इसका मतलब होता है तुलना करना, जी का मतलब होता है जर्नलाइजेशन यानी सामान्यकरण करना, और ये का मतलब होता है एप्लीकेशन अनुपयोग। ऐसे भी क्रम से याद कर सकते हो, अदरवाइज आप जैसे भी याद करो ठीक है वैसे भी कर सकते हो। शिक्षण में इकाई का संपर्क किसने दिया, तो ऐसी मॉरिशन है, इन्होंने दिया था। ठीक है, अगला है भाषाई कौशलों का लिखित अभिव्यक्त रूप क्या होगा, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा लिखना। उसने पूछा भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्त रूप क्या होगा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 43 नंबर ढ रटूर्षणा मूर्धा, तो इसका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला था
पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष कौन सा होता है जिसे हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए 4 नंबर, प्राक्कथन। अब जब बुक जो भी लाते हो गवर्नमेंट के थ्रू, जैसे स्कूल की हो, स्कूल से यानी या किसी किसी दुकान से, जैसे 9th की क्लास हो, 10th की, उसके देखना प्राक्कथन दे रखा है, ठीक है। तो वो शुरुआत की एक पेज पलटने के बाद दिखाई दे जाता है वो आपको, तो वो प्राक्कथन में दे रखा होता है कि ये बुक उसमें पहले तो NCF 2005 RTE एक्ट के बारे में कुछ लिखा होगा, ठीक है, उसके बारे में सब गाइडलाइन दे रखी हैं, उसमें लिख रखा होगा इस किस रेफरेंस के लिए बनाया गया है, तो ठीक है वो ही होता है प्राक्कथन, ठीक है। और वैचारिक सामग्री कौन सी होगी, तो आपकी वैचारिक सामग्री होगी किसी की मूल विषय वस्तु जो आपको सोचने में मजबूर करती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये होगा। आपका अगला क्वेश्चन था दृश्य सामग्री और दृश्य श्रव्य दृश्य सॉरी श्रव्य दृश्य साधन कौन सा है, आपका श्रव्य दृश्य सामग्री कौन सी है, तो वो आपकी एकमात्र है चलचित्र, ठीक है। बाकी आप जानते हो ये चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। नाटक का संबंध किस ज्ञान इंद्रिय से, तो वो आपके कान व आँख से, ठीक है। ये नॉर्मल है, ये आप बखूबी जानते हो इन चीज़ों को, तो ठीक है। सत्य की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन आप बखूबी जानते हो, ऐसे ही बोलते हैं सुमेलेटिव असेसमेंट, तो ये योगात्मक कह लो, संकलात्मक कह लो, इन्हें कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं जो भी क्वेश्चन रहा है। ब्लूप्रिंट, हाँ अगला है 49 नंबर क्वेश्चन, ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है। देखो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो देखते हैं इसका राइट आंसर नहीं होगा क्या पूछा है, नहीं। तो इसमें जो शिक्षक निर्देश सामग्री है ना, ये नहीं जोड़ी जाती, बाकी सभी तीनों चीज़ें हैं वो जोड़ी जाती हैं किस में, ब्लू प्रिंट में, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था उपचारात्मक शिक्षण है, तो ये आपको बताना है 4 ऑप्शनों में से कौन सा हो सकता है। तो बी नंबर ऑप्शन पर जाओ, अध्यापन संबंधी घटनाओं को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना चाहिए, तो बी नंबर ऑप्शन सही है एक्यूरेट देखा जाए और ऑप्शनों की तुलना में, ठीक है। ये आपके 51 से 55 तक गद्यांश है, इसे देख के आपको नीचे के शब्द छांटने होते हैं, यानी गद्यांश से कोई शब्द उठा के नीछे रख दिया जाता है, उसमें सभी चीज़ें पूछी जा सकते हैं, संधि समाप्त प्रत्यय उपसर्ग और बहुत सारी चीज़ें, मुहावरे वगैरह भी इसी के थ्रू पूछ लिए जाते हैं, तो आपको आना चाहिए। देखते हैं अगर आप गद्यांश पढ़ते हो तो उसके अकॉर्डिंग डायरेक्टली आंसर लग जाते हैं, ठीक है। तो मैं बताते जाता हूँ आपको कि वह शब्द बताइए जिसमें दो या दो से दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, तो आप है निर्विरोध को देखिए, इसमें देखिए देखना है निर प्लस वी प्लस रोध, तो इसमें दो उपसर्ग हो गए ना, ये इसमें रोध शब्द ही हो गया मूल, तो वी और निर, तो ये दो उपसर्ग हो जाएंगे, यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। चलो अगला देख लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा से हमें भाववाचक बनाना है, तो ये सिंपल है, आपको बना सकते हो उसे, दानव से दानवता बनना है, ठीक है। तो एकमात्र यही है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन था मौलिक, मौलिक माने होता है ओरिजिनलिटी, यानी उसके जैसा दूसरा ना हो। मौलिक शब्द जिस वाक्य के लिए प्रयुक्त हुआ है वह है जो मूल, जो किसकी नकल ना हो, ठीक है। आपने देखा होगा मौलिक, मौलिकता ये सृजनात्मक बच्चों में पाई जाती है जिनमें अपसारी चिंतन होता है, तो वो इसी वजह से होता है मौलिकता। इनमें से आकाश का पर्याय है, तो आप बखूबी जानते हैं आकाश का पर्याय कौन सा कौन होता है, वो आता है आपका व्योम, ठीक है। चलो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। आसपास में देख लो कौन सा समास होगा, तो ये तो सिंपल ही पूछ लिया है ज़्यादा ही, ये होगा द्वंद्व समास, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, ये भी आपका गद्यांश आ गया 56 से 60, तो एक गद्यांश को देख लें फिर उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन। तो नीचे आए हैं क्वेश्चन, तो देखते हैं कि अनर्थकारी शब्द का अभिप्राय क्या होगा। अनर्थकारी शब्द का अभिप्राय होता है अनिष्ट करने वाला, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 57 क्वेश्चन था कि पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त हुआ है, ऐसा कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो वो आपका होगा अभिमान, ठीक है, तो कौन सा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से कौन सा युग्म सही विकल्प है, इसमें से सही बताना है, तो देखो गौ गौएं सही है, स्कूल स्कूल है, विदेशी शब्द है लेकिन वेड तो फिट रहा है ना सही विकल्प, तो यानी इसका राइट आंसर ए भी होगा सी भी होगा, ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा, बाकी में कौन सा काल है ये बताना है आपको, ठीक है, तो अपनी सोच के आधार पर लगाओ इसे। देखो मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन डिलीट किया गया, ठीक है, और ये इसमें दिया गया था बोनस, इसमें 2 ऑप्शन राइट हैं, तो इसलिए तो आप है अगर करना चाहो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये है कि उसे देख लेना आप आंसर निकाल के, लेकिन वो डिलीट किया गया था, उसमें 2 ऑप्शन राइट हैं।
प्रणाली शब्द का अर्थ है प्रणाली, यानी इसे सिस्टम बोल सकते हैं एक तरह के। तो ये प्रणाली शब्द का सही अर्थ क्या होता है, ये होता है पद्धति और परंपरा, यानी इसका राइट आंसर ए भी है और सी भी है। ठीक है, ध्यान रखना ये 2000 रीट है ना, 2018 वाली, इसमें क्वेश्चन बहुत डिलीट हुए हैं, बोनस मिले हैं सभी को, और कुछ कुछ के तो ऑप्शन ही चेंज कर दिए थे बाद में, आंसर कुछ मान रहे थे, क्वेश्चन कुछ होता। चलो अब इंग्लिश को देख लेते हैं, नहीं इंग्लिश नहीं देखेंगे, पहले संस्कृत देखेंगे। ठीक है, चलो इंग्लिश देख लेते हैं। देखिए अब अपन करेंगे भाषा सेकंड, जिन लोगों ने संस्कृत में भाषा सेकंड ली थी, ठीक है, उसके जितने भी क्वेश्चन होंगे 30 क्वेश्चन उनको अपन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, यानी 61। मुझे रसगुल्ले अच्छे लगते हैं, इसमें संस्कृत में आपको अनुवाद करना है। तो देखिए मुझे रसगुल्ले अच्छे लगते हैं, इसका वाक्य अनुवाद हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मह्यम रसगुल्ला कानि रुचयन्ति, क्योंकि रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है और यहाँ पे मह्यम है वो चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पवर्ण से उच्चारण स्थानम के अस्थि, तो आपको पता होगा अपूप ध्यानिया नाम उष्टव, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वयम महाविद्यालयम गच्छामः, वाक्य परिवर्तन वाच्य परिवर्तन कुरुतः, तो आपको पता होगा ये इसने कर्तृवाच्य दे रखा है, तो इसका कर्मवाच्य में चेंज करेंगे, तो जो कर्ता होता है उसमें तृतीय व्यक्ति हो जाती है, ठीक है, और जो कर्म होता है उसमें प्रथमा विभक्ति हो जाती है। तो इस वक्त का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अस्माभी विद्या महाविद्यालय गम्यते। नेक्स्ट है, स ग्राम से निकषा तिष्ठति इति वाक्य संशोधन। देखिए निकषा के योग में द्वितीय व्यक्ति होती है, इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स ग्राम निकषा तिष्ठति। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित सुक्ते समूची पदे रिक्त स्थान पूर्यति, तो नहीं ज्ञानेन सदृश, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सदृशम पवित्र वही विद्यते। अगला क्वेश्चन, व्यवहार कौशलम इत्यस्य गुणस्य ग्रहम इस कस्माद विधे भवति, व्यवहार कौशलम तो ये होता है प्रत्यक्ष विधि के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए प्रोफेसर वीपी वोगल महोदय क विधि प्रतिपादक, तो जो वोकिल महोदय थे उन्होंने कौन सी विधि दी थी, तो वो दी थी प्रत्यक्ष विधि, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हर वर्ट पंचपदी इतस्य विधे विकसित रूपम किम, इसका विकसित रूप क्या है, तो वो ये है मूल्यांकन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिए क्वेश्चन नंबर 61 69। भावा अभिव्यक्ति सर्वोत्तम साधनम विद्यते, भाव अभिव्यक्ति का सबसे अच्छा साधन क्या है, तो वो है भाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा शिक्षणानी कौशलानी स्वाभाविक अक्रम वर्तते, तो वो ये LSRW। ठीक है, तो इसमें आपको देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए, श्रवणम भाषणम पठनम और लेखनम। अगला क्वेश्चन है, देखिए संस्कृत शिक्षण से प्रयास स्यात, संस्कृत शिक्षण का प्रयास कैसा होना चाहिए, तो वो होना चाहिए बहुमुखी, कैसा होना चाहिए बहुमुखी। अगला क्वेश्चन है, देखिए अभिनय कति विदो भवति, अभिनय की कितनी विधि है, तो अभिनय की चार विधि है, आंगिक अभिनय वाचिक अभिनय आहार्य अभिनय और सात्विक अभिनय, चार विधि होती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए दृश्य श्रव्य साधन येसु प्रमुख साधन अस्ति, दृश्य श्रव्य साधन में सबसे प्रमुख साधन क्या है, तो वो है आपका, इन सभी में आपको देखना है कि दृश्य भी हो और श्रव्य भी हो, तो दृश्य श्रव्य है वो है दूरदर्शन, यहाँ पे दूरदर्शन का भी टीवी है, ठीक है टेलीविजन। अगला क्वेश्चन है, दृश्य साधन आ रही सर्वोत्तम साधन वर्तते, दृश्य साधनों में सबसे सर्वोत्तम साधन कौन सा है, तो वो है श्याम फलक, जिसको अध्यापक का मित्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक से उद्देश्यानी सन्ति, पाठ्य पुस्तक के उद्देश्य होते हैं, कौन कौन से उद्देश्य होते हैं पाठ्य पुस्तक के, तो बालकानी ज्ञान से सभी का विस्तार बिल्कुल होता है, व्यावहारिक ज्ञान से संपादक प्रणेता बिल्कुल होता है,
छात्राणाम कल्पना शक्ति विकास बिल्कुल होता है, कल्पना शक्ति का भी विकास किया जाता है। उपनयन त्रीणी अपनी सभी के सभी हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत शिक्षण मूल्यांकन साधन भूता भवन्ति, संस्कृत शिक्षण के मूल्यांकन का साधन है, देखिए कौन कौन से है। बुद्धि परीक्षा बिल्कुल, अभिरुचि परीक्षा बिल्कुल किया जा सकता है, आसक्ति परीक्षा भी किया सकता है, यानी उपरोक्त सर्वे सभी हैं मूल्यांकन के साधन। अगला क्वेश्चन है, देखिए लघु काष्ठ खंड से व्यवहार कुत्र क्रियते, तो ये किया जाता है सलाका परीक्षा में किया जाता है लघु काष्ठ खंड का। अगला क्वेश्चन है, देखिए उपचारात्मक शिक्षण कर्तुम शक्यते, उपचारात्मक शिक्षण क्यों किया जाता है, तो ये किया जाता है मूल्यांकन में किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ परीक्षा या प्रकार भवति, वस्तुनिष्ठ परीक्षा का इनमें से कौन सा प्रकार है, तो देखिए बहु समाधान प्रश्न ये भी होता है, रिक्त स्थान भी होता है, सत्य असत्य वाले क्वेश्चन भी होते हैं वस्तुनिष्ठ में, यानी उपयुक्त सर्वे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपना आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र से ज्ञानात्मक क्षेत्र से परीक्षण कर्तुम शक्यते, छात्र के ज्ञानात्मक क्षेत्र का परीक्षण कैसे करेंगे आप, अध्ययन परीक्षा या पाठ्य पुस्तकें या भाषण किस प्रकार से करेंगे, तो आपको परीक्षा के माध्यम से करना होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये आपको अपठित गद्यांश दिया है, उसको पढ़ना है और आंसर देना है, तो यहाँ पे वीडियो पॉज कर दीजिए आप, ठीक है, और इसके आंसर लगाइए। देखिए पहला यानी 81वां क्वेश्चन है, ज्ञानेन इत्यस्मिन पदे विभक्ति, तो इसमें ज्ञानेन आ रहा है, इसका मतलब कौन सी हो जाएगी, तृतीया। 82 को देखिए, निगम निगद्यते इति कह धातु, निगद्यते में कौन सी धातु है, तो इसमें गद्य धातु है। क्वेश्चन नंबर 83, कर्तुम इत्यत्र कह प्रत्यय वर्तते, कर्तुम में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको देखते ही पता चल रहा होगा तुमुन प्रत्यय है इसमें। अंधकार वृत्तम इति समास विग्रह अस्ति, अंधकार वृत्तम, तो इसका जो समास विग्रह हो जाएगा वो हो जाएगा अंधकारेण आवृतम, यानी अंधकार से घटा सॉरी ढका हुआ, अंधकार से आवृत ढका हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, विद्धैव इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेद भवति, क्या होगा इसका संधि विच्छेद, वो होगा विद्या प्लस एव, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, इसमें हो जाएगी वृद्धि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको पद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और फिर नीचे आंसर्स देने हैं। देखिए पद्य इसमें कस्य छंद प्रयोग अस्ति, आपको इसमें छंद देखना है, छंद कौन सा है, तो देखिए इसमें जो छंद हो जाएगा वो होगा उपजाति छंद, कौन सा होगा उपजाति छंद। अगला क्वेश्चन, वर्तमनी इत्यस्य मूल शब्द अस्ति, तो वर्तमनी में कौन सा मूल शब्द है, वर्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरस्कृता पुरस्कृता इत्र कह प्रत्यय अस्ति, पुरस्कृता में जो प्रत्यय वो है कत प्रत्यय, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पार्थिवेन इत्य कह विभक्ति, पार्थिवेन में कौन सी व्यक्ति है, तो वो है तृतीया विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीरराज इत्यत कह लकार प्रयुक्त अस्ति, वीरराज तो वीरराज में है लिट लकार, ठीक है लिट लकार है ये, तो इस प्रकार अपने 30 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए हैं। देखिए अब करते हैं इंग्लिश के सेक्शन को, जिन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में इंग्लिश लिया था, ठीक है इन क्वेश्चनों को करते हैं, 30 क्वेश्चन है अपने। देखिए पहला क्वेश्चन है, विच क्वेश्चन इज करेक्ट इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में कौन सा क्वेश्चन करेक्ट है, ठीक है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, व्हाई डिड सी राइट द लेटर, इसमें जब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से पढ़ोगे तो सभी की सीक्वेंस सही दी गई है। अगला क्वेश्चन है, सी स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, द करेक्ट पैसिव फॉर्म द सेंटेंस विल बी, ठीक है तो सही करेक्ट पैसिव क्या होगा इसका, तो इसका हो जाएगा इंग्लिश इज स्पोकन बाई हर फ्लुएंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट द वर्ड
विगनिंग विच इज द सेम कंसोनेंट साउंड पूछ रहा है। देखिए कंसोनेंट साउंड कौन से है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी चेक चैन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 34 विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट द सेम वोवल साउंड। देखिए सेम वोवल साउंड किसका है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी कैट बैट और मैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फोनेटिक सिंबल। देखिए फोनेटिक सिंबल की बात कर रहा है, बॉय का देख रहा है आपको, तो बॉय का जो फोनेटिक सिंबल होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। तो आपको पता होगा कि लैंग्वेज लर्निंग का जो प्रॉपर ऑर्डर है वो है LSRW यानी LSRW, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना, फिल द ब्लैंक्स इज अप्लाइड इज ऑर्डर टू चूज पर्टिकुलर कोर्स फॉर द पर्टिकुलर क्लास। ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा डी यानी द प्रिंसिपल ऑफ द सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विच ऑफ द क्लासिकल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। क्लासिकल मेथड है उसको आपको पता करना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है, जो अनुवाद पद्धति होती है वो वाली। हु डेवलप्ड बाइलिंगुअल मेथड, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा सीजे डोडासन। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। इन विच अप्रोच डज द टीचर इंट्रोड्यूस द न्यू वर्ड इनसाइडेडली इन द क्लास, तो इसका हो जाएगा सी सिचुएशनल अप्रोच। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द पर्पज ऑफ राइटिंग एलिमेंट्री लेवल। ठीक है, तो क्या पर्पज होता है इसका, तो इसका पर्पज होता है डेवलप द वॉटर स्किल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, विच टेक्निक ऑफ रीडिंग इज यूज टू लुक फॉर स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो इसमें है वो है ऑप्शन नंबर डी स्कैनिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए विच इज लुक एंड से मेथड ऑफ रीडिंग, ऐसा कौन सा मेथड है। देखिए तो इसमें जो मेथड है वो है वर्ड मेथड, द वर्ड मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, हैज द एडवांस ऑफ द प्रोवाइडिंग ए फोकस पॉइंट ऑफ अटेंडेंस फॉर होल क्लास एंड कैन बी यूज फॉर ए वेरीफाई ऑफ पर्पस। ठीक है, तो इसका है ब्लैक बोर्ड ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिए क्या कह रहा है। विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो कौन सा करेक्टर रही है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी यानी फ्लुएंटली मिस स्पेल्ड वर्ड। अगला क्वेश्चन है, देखिए विच टेस्ट इज कंडक्टेड इन ऑर्डर टू फाइंड ऑफ द स्टूडेंट लर्निंग रिगार्डिंग द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ साउंड, तो ये है ऑप्शन नंबर सी यानी लिसनिंग टेस्ट, इससे आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए टेस्ट कैन बी स्कोर्ड क्विकली एंड कंसिस्टेंटली, तो ये कौन सा होता है, ये होता है ऑब्जेक्टिव। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 55, फाइंड ऑफ द वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट विच मीन एन इवेंट फॉर द पब्लिक एक्सटर्मिनेट एंड ट्रेड, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेरी गो राउंड। देखिए ये आपको पैसेज पढ़ना है, थोड़ा पॉज कर लीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, देखिए 56, द वर्ड स्किल एंड व्हीकल आर, स्किल एंड व्हीकल आर, तो इसमें हो जाएगा आपका सी यानी डाउन है ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए द पुलिस देन वीट अप नाना वाई सेवरली द वर्ब वीट अप इन, तो इसका हो जाएगा अपना सिंपल पास्ट है ये। ठीक है, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। नेक्स्ट है, देखिए
सी रीज हर टीचर एंड कट द रॉप विच ऑफ स्ट्रोक ऑफ द स्किल द वर्ब कट इज। देखिए जो वर्ब है कट इज वो क्या है, वो भी सिंपल पास्ट है। अगला क्वेश्चन है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द डिग्री थ्री डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव इन देयर करेक्ट फॉर्म। तो वो कौन सा है, वो है फर्स्ट यानी एग्री, एंगर और एग्रेस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 60 लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज ए डिटरमिनर इन इट। तो उसमें है वो है द पुलिस। तो इस प्रकार हमने इंग्लिश के 30 क्वेश्चन पूरे हुए। अब चलते हैं नेक्स्ट सेशन में। देखिए अब अपन करते हैं मैथ के क्वेश्चनों को जो कि 30 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए इनसे आपको पता चलेगा कैसा लेवल रहता है क्वेश्चनों का। देखिए पहला क्वेश्चन है, इनके आना नंबर देखिए। यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालिए। देखिए इसमें सबसे पहले आपको करना है 12 पेनों का क्रय मूल्य क्या होता है, सीपी। वो उन्होंने किया है 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, जैसा उसने दिया है वैसा ही आप लिख लो। ठीक है, अब एसपी को ऊपर रखो और सीपी को नीचे कर दो। तो यहाँ पे एसपी अगर ऊपर रहेगा और सीपी अगर ये इसके नीचे जाएगा तो 16 इसके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 12/16। देखिए यहाँ हो जाएगा एसपी बट्टे सीपी बराबर 12/16। देखिए दोनों में अंतर कितना है, 4 का। क्रय मूल्य कितना है, 16। प्रतिशत निकालना है तो आप 100 का गुणा कर देंगे। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि जो विक्रय मूल्य है वो 12 है और क्रय मूल्य है वो 16 है, इसलिए हमको क्या हुआ है, घाटा हुआ है। इसलिए जब इसको काटेंगे इससे 4 से 16 को तो 4 बार, 4 से 100 को काटेंगे तो 25 बार, यानी 25% की हमको क्या हो गई, हानि हो गई, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 92 नंबर। श्रीमान एक्स के पास निश्चय राशि है, उसके कुछ राशि 10% सरल ब्याज की दर से और शेष राशि को 12% की सरल ब्याज की दर से बैंक में जमा कराई। प्रथम राशि का 1/4 और शेष राशि का 5वें हिस्से के बराबर है। यदि 2 वर्षों का कुल ब्याज इतना है तो जमा की गई राशि। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, बाकी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ, क्योंकि अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कराऊँगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी 11,225। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 93 नंबर। पानी और शर्करा के 3 लीटर मिश्रण में 40% शर्करा है, यदि 1 लीटर पानी इस मिश्रण में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण का शर्करा का प्रतिशत क्या रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो प्रतिशत हो जाएगा शर्करा का वो हो जाएगा 30%, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 94, दिए गए समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में एक्स और वाई के मान आपको ज्ञात करने। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन बोनस हुआ था, ठीक है, तो इसको अपन नहीं करेंगे, अगर आप कर सकें तो कर लेना, क्योंकि बोनस ही हुआ था, उसमें शायद कुछ गलती होगी इसलिए बोनस हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कबीर 10 में 11 की दर से पेंसिल खरीदता है और ₹11 में 10 की दर से पेंसिल बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखिए वस्तु एक तरफ लिख लेते हैं ऐसे क्वेश्चनों में और रुपए एक तरफ लिख लेते हैं और उन वस्तुओं को आपस में बराबर कर लेते हैं, उनके अनुसार आप देख लेते हैं कि कितनी हानि हुई है या घाटा हुआ है, उससे पता चल जाता है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर नंबर 4 है इसका, यानी 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x प्लस 5/6 प्लस 5/7 प्लस 4/9 बराबर 2 सही 125/126 है तो x का मान पूछ रहा है। देखिए आपको x का मान पूछ रहा है, तो इसमें जो x का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, देखिए दिए गए व्रत में थीटा का मान पूछ रहा है आपको, थीटा का मान आपको ज्ञात करना है, किसमें थीटा का मान
क्या होगा। तो आप वैसे भी ज्ञात कर सकते हैं इसको कि ये जीवा हो गई, ये कोण और ये कोण बराबर हो गए, तो ये 40 का हो गया तो ये भी 40 का हो जाएगा। ठीक है, ये 40 का हो गया, अगर ये 40 का हो गया, ये पूरा कितने का है 85 का है, तो आप थीटा को आराम से निकाल सकते हो, 180 में से माइनस कर दोगे 85, 40 को जोड़ लो तो कितने हो गए 125, 125 को इसमें से माइनस कर दो 5, और ये 7 में से दो गया तो 5, यानी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, इसका 55 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 98 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता। देखिए आपको देखना है कौन सा ऐसा कथन है जो नहीं दर्शाता। गणित की अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम में सूत्र प्रत्यय सिद्धांत का प्रतिपादन होता है, ये तो बात सही है। गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या का अवसर मिलता है, देखिए अवसर मिलता है वो कह रहा है, ठीक है तो ये भी सही है। गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित है, देखिए ये गलत है, गणित में सामान्यीकरण का जो स्रोत है वो संकुचित नहीं है, व्यापक है, ठीक है। और चौथे को देख लेते हैं, संख्याएं स्थान मापन आदि में गणित आधार है, ये भी बात सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपना आंसर, क्योंकि वो नहीं पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन 99 देखते हैं, उन्नति की दृष्टि, गणित की उन्नति तथा देश वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, यह कथन गणित के कौन से मूल्य को प्रदर्शित करता है। देखिए मूल्य के बारे में पूछ रहा है, तो गणित की सामाजिक मूल्य, देखिए ये पहला ही आंसर हो जाएगा, संपन्नता की बात हो रही है ना, तो सामाजिक मूल्य को बताता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन है 100, एक ऐसी योजना जो यह जानने का प्रयास करती है कि विद्यार्थी कितना समझे, इस आधार पर यह तय किया जा सके कि प्रत्येक व्यक्तिगत अथवा वर्ग की आवश्यकता के अनुसार भविष्य का शिक्षण तय हो सके, कहलाता है योगात्मक, सूचनात्मक, निदानात्मक और परीक्षण। देखिए ये पूछ रहा है, आपको पूछ क्या रहा है, देखिए कि योजना जो यह प्रयास करती है कि विद्यार्थी कितना समझे, ठीक है, इसके आधार पर यह तय किया जा सके कि प्रत्येक व्यक्ति अथवा वर्ग की आवश्यकता के अनुसार भविष्य का शिक्षण तय हो सके, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी योगात्मक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन है 101, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक आकलन की विशेषता को नहीं दर्शाता। देखिए वो कह रहा है नहीं दर्शाता, ठीक है, तो देखते हैं इसमें, विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में जैसा कार्य कर रहे हैं उस तरफ देखना, विद्यार्थी जब अन्य विद्यार्थियों को समझाने अथवा चर्चा में व्यस्त हैं तब उनको सुनना, अध्यापक द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर उत्तर को मॉनिटर करना, और विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका की जांच अंक या ग्रेडिंग देना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है, अनौपचारिक की बात चल रही है यहाँ पे, इसलिए ये नहीं होगा, ये तो औपचारिक हो जाएगा ना। तो अब 102 पे चलते हैं, सभी अध्यापक को शुद्ध गणितीकरण शब्दावली के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है, विद्यार्थी के मध्य शुद्ध शब्दावली उपयोग हेतु बढ़ावा देती है, इस शब्दावली को जाना जाता है तो गणित की शिक्षण में भाषा, गणित शिक्षण में भाषा के नाम से इसको जाना जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा गणित की विशेषता का सही नहीं दर्शाता। देखिए सही नहीं दर्शाता, तो गणित विचारों का तार्किक विज्ञान है, ये बात तो सही है, गणित मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क आदत को बनाने का मार्ग है, ये भी बात सही है, गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है, देखिए ये गलत है, गणित अमूर्त विज्ञान भी है, ठीक है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन 104 की तरफ, विद्यार्थी द्वारा गणित समस्या के हल करने के दौरान की जाने वाली गलतियों की प्रकृति और विशेषताएँ जानने के लिए प्रक्रिया को कहा जाता है। देखिए इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, गणित में विषय वस्तु विश्लेषण, गणित में त्रुटि विश्लेषण, इसमें त्रुटि विश्लेषण कहा जाएगा इसको, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं 105 की तरफ, नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थी का ध्यान आकर्षित करने के लिए
अध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष में प्रस्तुति की जाने वाली परिस्थितियाँ क्या कहलाती है? देखिए, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन और आदर्श कथन, तो वो कहलाती है प्रस्तावना। काफी इजी क्वेश्चन था। अब 106, निम्न में से कौन सा कथन गणित के पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी तरह नहीं दर्शाता? देखिए वो कह रहा है अच्छी तरह नहीं दर्शाता, ये छानना है अपन को। तो गणित का पाठ्यक्रम विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, ये बात तो सही है। गणित का पाठ्यक्रम क्रिया आधारित होना चाहिए, ये भी बात सही है। गणित का पाठ्यक्रम मनोविज्ञान एवं तार्किक ढंग से व्यवस्थित होना चाहिए, ये भी ठीक है। गणित का पाठ्यक्रम गणित के अध्यापक की सहमति को आवश्यकता नहीं है, ये गलत हो जाएगा। बिल्कुल आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता नहीं भाई, वो अच्छा नहीं पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा अपना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 107, निम्नलिखित में से कौन सी विधि विद्यार्थियों में गणित संबंधी कमजोरियों को जानने की अच्छी विधि नहीं है? देखिए वो कह रहा है अच्छी विधि नहीं है, ठीक है, अच्छी विधि नहीं है के बारे में बात कर रहे हैं। 107 नंबर है। तो देखिए क्वेश्चन को देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। विद्यार्थी को कक्षा के अंदर एवं बाहर प्रश्न करना, ये भी ठीक है। मौखिक कार्य, ये भी ठीक है। विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका का विश्लेषण, ये भी ठीक है। विद्यार्थियों की तुलना करके, नहीं, तुलना करके कैसे आप पता कर सकते हो कि बच्चे में क्या कमजोरी है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 108 नंबर। दो पूर्ण संख्याएं दी गई हैं, यदि बड़ी संख्या के तुकड़े को छोटी संख्या से विभाजित किया जाए तो भागफल 4 और शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि छोटी संख्या के 7 गुने को बड़ी संख्या से विभाजित किया जाए तो भागफल 5 और शेषफल 1 प्राप्त होता है, तो छोटी संख्या बराबर है। देखिए अगर आप पे ये चीज़ आती है कि भाजक बराबर होता है, ये जो अंदर होता है ना अंदर, देखिए मैं आपको पहले समझा दूं, ये होता है भाजक, ठीक है, जिसका भाग दिया जाता है, ये होता है भाज्य जिसमें भाग दिया जाता है, इधर आता है भागफल, ठीक है, और नीचे आता है शेषफल, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इससे आपको सब आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको भाज्य निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, भाजक और भागफल का तो गुणा करना पड़ेगा और उसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, शेषफल जोड़ना पड़ेगा, इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं पूरे क्वेश्चन को तो सॉल्व नहीं करा पाऊंगा यहाँ पे, तो इसका आंसर बता देता हूँ मैं आपको। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 18। अगला क्वेश्चन है देखिए 109, संख्या 1765809 में 7, 6 और 9 के स्थानीय मानों का योग बराबर है। देखिए स्थानीय मान को देखना है आपको, तो कुछ नहीं करना, पहले 9 को देखिए, तो 9 तो पहले ही स्टार्टिंग में ही है। फिर क्या है, 6 को देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 पाँचवें नंबर पे है, तो 0 लगा देंगे 4 और पाँचवें नंबर पे 6 रख देंगे। फिर क्या है, 7, अब 7 को देखते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सातवें नंबर पर है, तो देखिए 0 लगा देंगे 6 और बाद में रख देंगे 7 को, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे 7 रख दो, सबको जोड़ दो आप, बस वही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ये सी वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 110, यदि निम्न भिन्नों को छोटी से बड़ी भिन्न की ओर व्यवस्थित किया जाए तो कौन सी भिन्न मध्य में आएगी? देखिए मध्य में पूछ रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, 1/3 का भाग देना है, 0.33 आ जाएगा। फिर 31% निकालना है, 31% कैसे निकालोगे, 31/100, तो ये 0.31 आ जाएगा। फिर 3/10 को देखना है, इसमें 0.3 आ जाएगा, ये तो पहले से ही दिया हुआ है 0.313, और इसमें 3 का भाग देना है तो इसमें इसका भी 0.303 आ जाएगा। आप उसको रख के देख लेना कि कितना आ रहा है, उससे आपका आंसर निकल आएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपना, 31%। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन 111 क्या है, क्या कह रहा है, देखिए ये आपको सिर्फ क्या बोलते हैं घटाव दिया है और कुछ नहीं किया है आपके लिए। यहाँ पे आपको चेक करना है, चारों ऑप्शन आप चेक कर लेना, ऑप्शनों से आपको पता चल जाएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी यानी x बराबर जब आप 5 रखोगे
और बाई बराबर जब आप 8 रखोगे तो ये पूरी इक्वेशन संतुष्ट हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 112, श्री एक्स के पास 55,600 है, रुपये इतनी है, उसने इसे एक योजना में निवेश किया, उसके धन का 8 गुना प्राप्त किया, फिर उसने इतने एक संस्था को दान दिया, पुनः उसने बचा हुआ धन निवेश किया और इसका केवल 1/3 प्राप्त किया। अब एक्स के पास धन बराबर है। देखिए कुछ नहीं करना, पहले ये कह रहा है उसको 8 गुना प्राप्त हुआ तो इसमें 8 का गुणा कर दीजिए, ठीक है। इतना संस्था को ध्यान दिया, ये जो टोटल आएगा उसमें से इस संस्था की को घटा दीजिए, ठीक है। पुनः उसने बचे हुए धन यानी जो बचेगा घटा के उसको केवल 1/3 प्राप्त किया, जो ये बचा हुआ है धन घटा के आपको उसका 1/3 कर देना है, ठीक है। अब उसके पास कितना धन है, तो अब यही जो ये जो आंसर आ जाएगा वही आपका आंसर होगा। तो 112 में आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1,28,938 रुपये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि एक समभुज की भुजाएं 9 भुजाएं हैं तो प्रत्येक बहिष्कोण का मान, देखिए कुछ नहीं करना, बहिष्कोण का मान ज्ञात करने के लिए आपको 360 में जितनी भी समभुज की भुजा होती है उनका भाग दे देना है, तो 9 का इसमें भाग देते हैं तो 9 × 36 यानी 40 आ जाएगा, तो प्रत्येक बहिष्कोण का मान 40 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 114, एक वर्ग का परिमाप इतना है, यदि एक आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है, तथा आयत की लंबाई इतनी है, ठीक है, तो आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, इसका परिमाप दिया है, इसके परिमाप को आयत के परिमाप के बराबर कर देना है, ठीक है, कि क्षेत्रफल दिया है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके परिमाप से आ जाएगा वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा से निकाल लेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के उसको बराबर कर देंगे अपन आयत के क्षेत्रफल से यानी लंबाई गुणा चौड़ाई से, ठीक है। आयत की लंबाई 1 ये दे रखी है तो उससे चौड़ाई आपको पता चल जाएगी, और चौड़ाई में से जो लंबाई है उसमें से चौड़ाई को माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो 114 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी 65 आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 115, यदि म स प 408 और 1032 बराबर 1032 एक्स माइनस 408 वाई और एक्स प्लस वाई इतना है तो एक्स माइनस वाई बराबर है, तो देखिए आपको इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए, इस चीज़ का तो आपको मसा लेना है, ठीक है, ये इसके बराबर कर देना है, एक समीकरण ये बन जाएगा, एक समीकरण ये बन जाएगा, दोनों को सॉल्व कर लेना है। और अगर आप पे ये भी ना हो रहा हो तो पहले अलग अलग करके इनका एलसीएम ले लो, कैसे भी कर लो, ठीक है। तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ आपको, ऑप्शन नंबर बी यानी -3 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है 60, 105 और 135, छात्रों वाले 3 विषय क्रमशः विज्ञान अंग्रेजी गणित की एक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, प्रत्येक कमरे में बैठने की क्षमता समान है, देखिए बैठने की क्षमता समान है, प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय का छात्र है, ठीक है, तो आवश्यक कमरे की न्यूनतम संख्या ज्ञात की, देख कुछ नहीं करना है, अगर न्यूनतम आ जाए ना उसका मतलब है आपको HCF ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका HCF जब आप ज्ञात करोगे तो आपका HCF आएगा इसका 20, ठीक है, तो 20 ही आपका आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला अपना क्वेश्चन है 117 नंबर। देखिए अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा, दिए गए त्रिभुज में ABC है, AP है वो BAC का समद्विभाजक यानी ABC BAC का समद्विभाजक यानी BAC का समद्विभाजक है क्या AP यानी ये, ठीक है। AQ BC पर लंब है, जो AQ है वो BC पर लंब है, ये भी ठीक है। PAC ज्ञात करना है, PAC ठीक है, ये ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, ये 75 दे रखा है, ये उसने 90 पहले से ही दे रखा है, देखिए लंब दिया है तो 90 ये हो गया, 90 और 75 ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 5 × 9 = 16 यानी 165 आ गया। इसको अगर आप 180 में से घटा दोगे 165 को तो कितना बचा, 5 यानी 15 बचा, तो ये वाला कोण है, ये वाला वो कितने का आ गया, 15 का आ गया,
ठीक है। ये अगर 15 का आ गया, थोड़ा दिमाग लगा के देखो, यहाँ से आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे ये जो त्रिभुज है ये वाला, इसमें ये है, ये बहिष्कोण ही तो है 90 का। जब ये बहिष्कोण है, ये अपने अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा, तो 35 के और ये इस पूरे के दोनों के बराबर होगा, ठीक है। तो 35 प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 90। यहाँ से आप x का मान ज्ञात कर लोगे, तो 90 में से अगर आप 35 को घटाओगे तो ये आ जाएगा 5, यानी 55 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया 55। 55 कौन सा आ गया, देखो मैं आपको बताऊं, ये जो 55 का मान आया है वो आया है ये पूरे का, ये पूरे का 55 आ गया। लेकिन ये कह रहा है कि ये जो है वो समद्विभाजक है इसका, बी ए सी का समद्विभाजक है, सॉरी बी ए सी पूरे का समद्विभाजक है। लेकिन ये तो आपका 65 ही आया है ना, ये वाला, ये तो 65 आया है, 65 तो ये हो गया, 15 हमने ये पहले से ये निकाल लिया, तो 15 65 कितने हो गए 80, 80 हो गए, 80 का ये समद्विभाजक हो गया, ठीक है, ये समद्विभाजक हो गया तो कितना हो गया 40, यानी 2 का भाग दोगे तो 40 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया अपना, बी। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है, ठीक है, अगर नहीं समझ में आया हो तो बैक करके देख लेना वीडियो को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 118। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए त्रिभुज एबीसी में ओबी और ओसी, ओबी और ओसी कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक हैं, ठीक है, तो बीओसी ज्ञात करना है, बीओसी ज्ञात कर, हाँ कुछ नहीं इसमें क्या है, बीओसी ज्ञात करना है। तो देखिए बीओसी जो होता है वो इस कोण के 90 प्लस 1/2 के बराबर होता है, यानी 90 में अगर आप ये जो ऊपर वाला कोण है 40 उसका आधा जोड़ दोगे तो वो ये वाला कोण आ जाएगा बीओसी। तो जोड़ो, इससे ये कट गया 20 आया, 90 प्लस 20 110, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, यानी 110। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं बी ए और डी सी को आकृति अनुसार बढ़ाया गया, ठीक है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए ए बी सी डी इसको बढ़ाया गया आगे की तरफ, तो कौन सा इसमें सत्य होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें आप कुछ नहीं करना, देखिए बी ए सी और ए बी सी, हाँ तो ये आप आपस में देखिए अंतराभिमुख कोण हो गए, सॉरी एकांतर कोण, एकांतर कोण हो गए, तो बी बराबर आ जाएगा, बी बराबर आ जाएगा बाई और ए बराबर आ जाएगा एक्स, आपस में इनको जोड़ दो आंसर आ जाएगा अपना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा एक्स प्लस बाई बराबर ए प्लस बी। यही क्वेश्चन था ये तो यार। अब है आपका लास्ट क्वेश्चन, एक छात्र के अंक 98 के बजाय 108 त्रुटि अंकित हो गए, इस त्रुटि के कारण कक्षा के औसत का अंक 1/5 बढ़ गया, कक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या है। यानी पहले जो भी औसत था वो 1/5 बढ़ गया, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए मान लीजिए आपके पास पहले औसत था x, अब बढ़ के वो कितना गया x प्लस 1/5 हो गया ना, और इतने से इतने तक ये त्रुटि बढ़ी, तो 98 से 108 यानी 10 ही तो बढ़ा, और x में से जब आप 1/5 का x घटाओगे तो 1/5x ही तो आएगा, तो देखिए वो आ जाएगा x/5, यानी x/5 वो कितना आ गया 10, तो x बराबर क्या आ जाएगा 50, यही तो संख्या है टोटल, यही तो टोटल लॉसेस था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब करते हैं नेक्स्ट सेशन, जो आपका लास्ट सेशन बचा है वो बता है ईवीएस का, तो हम ईवीएस के साथ में ही क्वेश्चन देख लेते हैं, एनवायरनमेंट स्टडी यानी पर्यावरण अध्ययन, ठीक है, तो देखते हैं 121 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो ये राजस्थान से पर्टिकुलर पूछा गया था, ये पहला क्वेश्चन बना था 121 नंबर, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, तो वो आपका है गोणावट, ठीक है, मोर तो आप जानते हैं ये राष्ट्रीय है, और बाकी तो आप
इन्हें छोड़ दीजिए, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं, 122 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है, तो ठीक है, तो आप इन्हें पढ़ते हो खुद के आधार पर, तो आप जानते हो तो आप डायरेक्ट लगा सकते थे, इसमें यही एक है जो राइट है, बाकी सभी गलत मिलान कर रखा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ठीक है, ये रिन्यूएबल एनर्जी होती है उसका स्रोत नहीं है, ये पूछा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्म, ठीक है, जीवाश्म ईंधन जिसे फॉसिल फ्यूल बोलते हैं, ठीक है। तो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था कि पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया था, तो पारितंत्र यानी इकोसिस्टम, एरिटेंसले, ठीक है, इनका पूरा नाम है एरिटेंसले, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते। आपका अगला क्वेश्चन था भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था मासिनाम, जो आपका है मेघालय में, कहाँ पे, मेघालय, ठीक है। तो इसमें है समथिंग, मान लो इसकी 1221 सेंटीमीटर तक की वर्षा हो जाती है इस मासिनाम, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था कि पर्यावरण के जैविक गठन में सम्मिलित हैं, ठीक है, तो जैविक घटक में सम्मिलित हैं वो आपके होंगे पौधे, ठीक है, और बाकी तो हैं लेकिन जैविक घटक के संबंध में पूछा जाए तो पौधे ही होंगे इसका राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मीन माता रोग संबंध किससे है, तो ये मीन माता रोग होता है ये HG जो सिंबल है, ये मरकरी होती है धातु, ये द्रव धातु होती है, एकमात्र द्रव धातु है जैसे कमरे के तापमान पर कैसी रहती है, द्रव अवस्था में यानी पानी जैसे लिक्विड में रहती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलो अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन तो क्या था कि ये कह रहा था निम्नलिखित में से अप्रक्षेपित सामग्री कौन सी, जैसे हम प्रक्षेपित यानी जिसे बोर्ड पर या किसी दीवार पर प्रक्षेपित नहीं कर सकते, तो वो एकमात्र है चार्ट, ठीक है, बाकी सभी को हम प्रक्षेपित कर सकते हैं, ये जितनी भी हैं चीज़ें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख ले। आपका अगला क्वेश्चन बना था कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है, तो कौन सी संबंधित नहीं है ये बताना है, तो ये आपका हो जाएगा वन उन्मूलन, ठीक है, बाकी ये देखा जाए तो सभी बचाव की हैं, यही नहीं होगी वन उन्मूलन, ठीक है। अगला क्वेश्चन था पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है, सामूहिक यानी इसमें एक से अधिक विद्यार्थी हों तो वो होगी विचार गोष्ठी, किससे संबंधित, पर्यावरण की शिक्षा से संबंधित, इसे बोलते हैं सिम्पोनिज्म, ठीक है। तो बाकी जो भूमिका निर्वहन वाक्य अनुवरण है ये नहीं होगा, आप खुद के अंडरस्टैंडिंग से सोचते हो तो भी यही राइट आंसर निकल गया था, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, सीटेट भी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, CCE का मुख्य उद्देश्य है, देखो ये जितने भी आप ऑप्शन पढ़ोगे ना तो ये सब ए में समाहित हैं, ठीक है, यानी विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना, यही राइट आंसर होगा, यानी पहला ही नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, ये फुल फॉर्म पूछी थी तो देख लेते हैं, ये है IEE और P, ये फुल फॉर्म है, ये बतानी है, तो ये होगी इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं, अगला भी अच्छा ही क्वेश्चन बना था, तो ये इंग्लिश देख लो इसकी, चलो नहीं आ रहा है तो देख लेते हैं यहाँ तक, सही है। क्वेश्चन था क्या था कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस आंकलन सूचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी ये नहीं की बात कर रहा है, तो नहीं करना चाहिए तो वो नहीं करना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए, पहले से ही नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, बाकी तो ये अवलोकन चर्चा करना, ये तो उसका भाग ही है, ठीक है। तो अगला देख लेते हैं, 134 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से एक अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, नहीं है पूछा है, तो देखते हैं क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा अच्छे शिक्षण लोकतांत्रिक होता है, लोकतांत्रिक होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो सकता है क्या, नहीं है, ये नहीं होगा, ठीक है, तो इसका हो सकता है अगर ये नहीं हुआ तो फिर होगा ये वाला, नहीं पूछा ना इसने, सही है, तो नहीं की पूछा है तो फिर यही होगा, 3 नंबर 100% यही होगा कि ये कह रहा है कि अच्छे शिक्षण मूल्य निर्धारित नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं।
आपका अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जाता। देखो, वन संरक्षण किया जाता है, जल संरक्षण किया जाता है, वृक्षा मृदा संरक्षण किया जाता है, लेकिन राजनीतिक संरक्षण नहीं किया जाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पी नंबर ऑप्शन। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि से संबंधित नहीं है। तो देखो, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का, ये तो आपके पीटी है, यानी कह सकते हैं ये आपके थोंडाई के मुख्य नियम थे। ठीक है, तो पुनर्वलन का जो सिद्धांत है ये राइट आंसर होगा। ठीक है, क्यों होगा, ये तो हो गए थोंडाई से संबंधित, यानी प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत से संबंधित, ये तीन नियम तो मुख्य थे। ये आपका दिया तो था, अगर ये पूछे पुनर्वलन के नियम पर सर्वाधिक जोर किसने दिया, तो वो दिया था आपके स्किनर ने, ध्यान देना। अगर ये पूछे सिद्धांत किसने दिया था, तो वो फिर क्लार्क हल आएगा राइट आंसर। ठीक है, सिद्धांत पुनर्वलन का क्लार्क हल ने, अगर ये कहे कि पुनर्वलन पर जोर किसने दिया, फेमस किसने किया था, वो था आपका स्किनर। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। अगला है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन था कि भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम निषेध एवं विनिमय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये आपका 1986 है कि 88, एक सेकंड देख लेते हैं। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी 1986 होगा। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। ये कह रहा है कि भारत में लड़के और लड़कियों के विवाहों की न्यूनतम कानूनी आयु कितनी है। कानूनी आयु पूछी है, तो लड़कियों यानी 18 वर्ष होनी चाहिए, लड़कों की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लो, अगला क्वेश्चन ये था कि राजस्थान की वस्त्र नगरी का नाम क्या है। तो वो है भीलवाड़ा, टेक्सटाइल कहा जाता है किसको, भीलवाड़ा को। चलो अगला देख लेते हैं कि नशीले पदार्थों की लत को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का नाम बताइए। तो उसे बोलते हैं पेंथीडीन। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन रहा था। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 100% खुले में शौच मुक्त ODFF, जिसे बोलते हैं ODF स्टेट घोषित किया गया था। उस टाइम पे केरल नंबर वन पे चल रहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया था, इससे पहले मैंने सोल्व करवाया था। राजस्थान के राज्य सांसदों की कुल संख्या कितनी होती है, वो 10 होती है। यानी अगर राज्यसभा के सदस्यों की संख्या पूछे 10 है, तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या 25 होती है राजस्थान से। अगर विधानसभा सीट पूछे तो 2 से होती हैं। हमारे यहाँ पर CM है अशोक गहलोत और आपके राज्यपाल हैं गवर्नर कलराज मिश्र। ठीक है, ये बहुत है। चलो अगला देख लेते हैं कि अगला है, नायलॉन का आविष्कार किसने किया था। तो नायलॉन का आविष्कार किया था वॉलेस कैथोरस बोलते हैं इसे। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राजस्थान से संबंधित नहीं है, तो ये हो जाएगा इसका बाघ मेला। बाकी ये सभी चीज़ें हैं ना, तीनों मेले, जैसे वेणेश्वर का मेला, खिचड़ी का मेला, पुष्कर, ये राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, चलो 145 नंबर, भारत में प्रथम रेलगाड़ी की शुरुआत कब की गई थी। तो राजस्थान में प्रथम रेलगाड़ी 1853 में की गई थी। ठीक है, मुंबई थाने वाला वही है। पीसी कल्चर का संबंध किससे है, पीसी कल्चर, तो ये मछली पालन से संबंधित है, जिसे बोलते हैं पीसी कल्चर। अगला था, झामरट कोड़ा खदान कहाँ पर है। झामरट कोटड़ा ये आपकी है, रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है, और खदान कहाँ पर भी हैं, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। चलो अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है। तो इसमें से देखा जाए तो देखो, मधुमेह तो डायबिटीज से संबंधित तो होती है, हृदयघात, हार्ट अटैक हो गया, उच्च रक्त, हाइपरटेंशन, तो इसमें एक ही है, बैक्टीरिया द्वारा फैलता है, डिप्थीरिया। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। चलो अगला देख लेते हैं कि ये कह रहा है कौन सा परीक्षण है जो HIV, तो ये वायरस से संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये बिडाल एलिसा परीक्षण है, एलिसा, तो एलिसा ये होता है एड्स से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब देख लेते हैं एक चीज़ है, चलो मैंने बता तो दिया सही, लेकिन रुको रुको, एक चीज़ और है, एलिसा ESR बिडाल हो जाता है आपके लिए, उसका बिडाल का संबंध किससे हो जाएगा, देख लेना ये क्वेश्चन क्या है। अब चलो ठीक है, मैं तो एलिसा सही लगाया है, अब बाकी देख लेंगे बाद में। भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण का कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था, तो ये टीकाकरण का किया गया था 1985 में, 1995। ठीक है, 1995 में किया गया था। ठीक है, इस प्रकार जितने भी मैंने 150 क्वेश्चन थे वो सॉल्व करा दिया। अगर वीडियो अच्छा लगता है
तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है, और लाइक करके तो बिल्कुल ही न भूलें। और एक जानकारी और देना चाहेंगे, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो अगर लेवल फर्स्ट के पेपर हैं जितने भी हैं ना वो इसी में चैनल पर डाल रखे हैं, आप पर्टिकुलर देखो। जैसे आपको हिंदी का देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन रहे प्रीवियस, तो वो भी मैंने डाल रखे हैं। अगर आपको सभी संस्कृत के पेपर अब के जो चार साल है या पाँच साल में जो सॉरी चार साल में लगे हैं पेपर, तो उन्हें देख सकते हो। इसके अलावा मैथ के मैंने पर्टिकुलर डाल रखे हैं वीडियो, उन्हें भी देख लो। प्रत्येक वर्ष कौन कौन से क्वेश्चन रहे थे, किस टीचिंग मेथड से कौन से क्वेश्चन बने, वो भी डाल रखे हैं। इनके अलावा मैंने CDP यानी जिसे साइकोलॉजी कह लो, पूरी कंप्लीट मैंने एक वीडियो लेके सब में कंप्लीट करके डाल रखे हैं। तो आप है एक बार ज़रूर विजिट करके देखें, ठीक है। अगर चैनल पर वीडियो अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करना, चैनल को बिल्कुल ना भूलना, ठीक है। वीडियो देखने के लिए